यस बच्चे, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 लिसन वेरी केयरफुली, यू विल डू ऑन द बुक ओनली। क्लियर? एक्सरसाइज 3.1 ए पार्ट, ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज 67 माइनस 25। फर्स्टली यू विल स्टार्ट फ्रॉम वन्स प्लेस। क्लियर? दीज वन्स आर वन्स प्लेस एंड दिस इज अ टेंस प्लेस। स्टार्ट हमेशा वन से करते हैं ना, वन प्लेस से स्टार्ट करोगे। 7 माइनस 5 दैट इज अ 2, 6 माइनस 2 दैट इज अ 4। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 58 माइनस 38। स्टार्ट फ्रॉम वन्स प्लेस, वन्स प्लेस। 8 माइनस 8 मैंने आपको बताया था ना मार्बल्स में, अगर आपके पास 4 मार्बल्स है, मैंने 4 के 4 मार्बल्स ले लिए, देन आंसर विल बी 0। अगर सेम नंबर हम सबट्रैक्ट करते हैं तब आंसर क्या आता है? 0। अब इसका काम फिनिश हो गया ना वन्स प्लेस का, कम होगा 10th प्लेस। 5 माइनस 3 दैट इज द 2, सो योर आंसर इज 20। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज अ 30 माइनस 14। क्लियर? फर्स्टली यू विल राइट द प्लेसेस 1 एंड 10। स्टार्ट फॉर वन्स प्लेस। क्लियर? ओके, 0 में से 4 डिडक्ट हो सकते हैं, आपके पास 0 कैंडी है और आप उन्हें उसमें से 4 दे सकते हो? नो ना, आपके पास तो 0 है, मींस है ही नहीं, आप मेरे को 4 कैसे दोगे? सो व्हाट यू विल डू हियर, 0 में से अगर 4 सबट्रैक्ट करना है, यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ 10th प्लेस। आपको अपने साथ वाले से हेल्प लेनी पड़ेगी। तो क्या करोगे आप, आपके पास 0 है ना, तो साथ वाले से हेल्प मांगो कि 1 नंबर मेरे को बोरो दे दे, तो वो आपको 1 नंबर बोरो दे देगा। आपके पास कितना बन गया 10, उसने 3 में से 1 नंबर आपको दिया है, उसके पास क्या बच गया? 2। आप बताओ अगर आपके पास 10 कैंडीज है तो आप इनको 4 देके आपके पास कितनी बचेंगी? 6। 10 में से 4 तो दे सकते हो ना, 10 माइनस 4 इज 6। तो वन्स प्लेस की सब्ट्रैक्शन का काम फिनिश हो गया, कम होगा 10th प्लेस वाली सब्ट्रैक्शन पे आकर। क्लियर? 2 माइनस 1 इज 1, सो योर आंसर इज 16। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 53 माइनस 27। फर्स्टली यू विल राइट द प्लेसेस 1s and 10s। ओके, स्टार्ट फ्रॉम वन्स प्लेस, 3 में से 7 डिडक्ट हो सकते हैं, 3 कैंडीज हैं, उसमें से 7 कैंडीज आप मेरे को कैसे दे सकते हो? नहीं ना, सो यू विल टेक द हेल्प ऑफ 10th प्लेस। 10 से आप हेल्प लो, उसके पास 5 थे, उसने 1 नंबर आपको बोरो दे दिया, उसके पास कितना बच गया? 4। ओके, नाउ यू हैव 13, 13 माइनस 7 इज 6। इसका वन्स प्लेस का काम फिनिश हो गया, कम ऑन द 10th प्लेस। क्लियर? 4 माइनस 2 इज 2, सो योर आंसर इज 26। ओके बच्चे, नाउ वी हैव डन क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 यू विल डू योर सेल्फ, क्वेश्चन नंबर 7 आई विल सोल्व। लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज 37 माइनस 30। क्लियर? स्टार्ट फ्रॉम द वन्स प्लेस, 1s and 10s। यस, 7 माइनस 0, अभी हमने एक्टिविटी में भी किया था ना, आपके पास 4 मार्बल से मैंने 0 ले लिए, मीन्स आपके पास तो 4 ही बच गए, 0 मीन्स मैंने तो कुछ नहीं लिया। आपके पास 7 कैंडीज हैं, 0 उसमें से निकालनी है, मीन्स कुछ भी नहीं निकालना, तो आपके पास कितने बचेंगे? 7। इसका काम फिनिश हो गया ना, वन्स प्लेस की सब्ट्रैक्शन तो होगी। अब 10 प्लेस की सब्ट्रैक्शन पे आ जाओ, 3 माइनस 3 इज 0, सो योर आंसर इज 7। क्लियर? नाउ यस बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 एंड 12 यू विल डू योरसेल्फ। क्लियर? नाउ वी विल स्टार्ट बी पार्ट। बी पार्ट, रीग्रुप टू सबट्रैक्ट। फर्स्टली आपने रीग्रुप बनाना है, आफ्टर दैट यू हैव टू डू सबट्रैक्ट। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 1,
35 minus 8. See, see the board. Listen, बच्चे. Firstly, you will write the places 1 and 10. Start कहाँ से करना होता है? हमें 1 place से. Clear? 5 minus 8 is possible. 5 में से 8 subtract हो सकते हैं. अगर आपके पास 5 candies है, मैं बोलूँ मेरे को आप 8 candies दो. कहाँ से दोगे? आपके पास तो 5 candies हैं. उसमें से 8 कैसे दोगे? So you will take the help of 10th place. उससे borrow लोगे. यहाँ पे उसके पास 3 है, उसको बोलो 1 नंबर मेरे को बोरो दे दे, वो 1 नंबर आपको दे देगा. उसके पास कितना बच जाएगा? 2. नाउ 15 में से 8 सबट्रैक्ट हो सकते हैं ना, अगर आपके पास 15 कैंडीज हैं. अगर मैं बोलूँ आपको अब मुझे 8 दे दो, फिर तो आप दे सकते हो. अगर आपके पास 15 कैंडीज है, आपने मेरे को 8 दे दी, तो आपके पास कितनी बच गई? 7. क्लियर? इसका 1 प्लेस की सबट्रैक्शन फिनिश. कम ऑन द 10th प्लेस. 2 जहाँ पे कुछ नहीं होता, मैंने बोला था वहां पे क्या लिखोगे? 0. 2 माइनस 0 इज 2. अब 10th प्लेस की भी सबट्रैक्शन खत्म. सो योर आंसर इज 27. नाउ बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 यू विल डू योर सेल्फ. आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. 70 माइनस 6 स्टार्ट फ्रॉम 1 प्लेस. 0 में से 6 सबट्रैक्ट नहीं हो सकता. क्या करोगे? हेल्प लोगे 10 से. 10 को बोलो अपना 1 नंबर मेरे को बोलो दे दे. उसने आपको 1 नंबर बोलो दे दिया. उसके पास कितना बच गया? 6. आप कितना बन गए? उससे 1 नंबर लेके 10 बन गए. 10 माइनस 6 दैट इज अ 4. 1 प्लेस की सबट्रैक्शन फिनिश. कम ऑन द 10th प्लेस. यहाँ पे कुछ नहीं होता, वहां पे 0. 6 माइनस 0 इज 6. इसकी भी सबट्रैक्शन फिनिश. सो योर आंसर इज 64. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4. 52 माइनस 29 स्टार्ट फ्रॉम 1 प्लेस. 2 माइनस 9, 2 में से 9 सबट्रैक्ट हो सकते हैं? नो. टेक द हेल्प ऑफ 10th प्लेस. उसको बोलो 1 नंबर बोरो दे देगा वो आपको. उसने आपको 1 नंबर बोरो दे दिया. उसके पास कितना बच गया? 4. यस. 12 माइनस 9 इज 3 एंड इसका काम फिनिश हो गया 1 प्लेस का. 10. 4 माइनस 2 इज 2. इसका भी काम फिनिश हो गया. आंसर कितना आ गया? 23. ओके. नाउ बच्चे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 यू विल डू योर सेल्फ. क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 आई विल सॉल्व. यस. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. 41 माइनस 37 स्टार्ट फ्रॉम 1's प्लेस. 1 माइनस 7 इज पॉसिबल? नो. 1 में से तो 7 सबट्रैक्ट हो नहीं सकते. So you will take the help of 10th place. 10th के पास 4 है, उसको बोलो 1 नंबर बोलो दे दे, वो अपना 1 नंबर आपको दे देगा. उसके पास कितना रह जाएगा? 3. अब 11 में से तो 7 सबट्रैक्ट हो सकते हैं. 11 माइनस 7 इज 4. इसका काम फिनिश हो गया. इसको छोड़ दो 1's प्लेस को. कम ऑन द 10th प्लेस. 3 माइनस 3 इज 0. इसका भी काम फिनिश हो गया. सो योर आंसर इज 4. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट फ्रॉम 1's प्लेस. 2 में से 3 सबट्रैक्ट हो नहीं सकते. सिमिलरली यू विल टेक द हेल्प ऑफ 10th प्लेस. उसके पास 5 है, वो अपना 1 नंबर आपको देगा. वो कितना रह जाएगा? 4. 12 माइनस 3 इज 9. फिनिश 1's प्लेस का काम. ओके. कम ऑन द 10th प्लेस. 4 माइनस 2 इज 2. इसका भी काम फिनिश. क्या आंसर आ गया आपके पास? 29. क्लियर? ओके. आई होप एवरीबडी यू हैव अंडरस्टैंड दिस वन एक्सरसाइज 3.1. ओके. इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी बाय द व्हाट्सएप ग्रुप. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.